हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं आज आप लोगों के साथ सत्तू की पूरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी है और बहुत जल्दी बनता है, बहुत आसान है इसे बनाना। आप इसे घर पे ज़रूर बनाइए, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स बच्चों जिसको भी ये खिलाइए वो ज़रूर इसे पसंद करेंगे। दोस्तों मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सत्तू की पूरी। सत्तू का पूरी बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप मैदा, इसमें हम डालेंगे थोड़े से नमक और 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। अब इसका हम सबसे पहले डो बना लेंगे, थोड़े से इस तरह से देखिए दोस्तों मिक्स कर लेंगे रिफाइंड ऑयल को और नमक को। अब इसका हम डो बनाएंगे। अब हमारा डो ये रेडी है, अब इसे हम साइड करेंगे, इसे हम ढाँक देंगे और 5-10 मिनट के लिए साइड रखेंगे। दोस्तों अब हम लेंगे सत्तू, इसे चने का आटा भी कहते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप सत्तू लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने यहाँ पे एक छोटे से प्याज का हाफ लिया है, उसे मैंने बारीक कट कर लिया है। 2-3 लहसुन की कली मैंने इसे भी बारीक कट कर लिया है। थोड़ी सी अदरक कद्दूकस की हुई और 1 हरी मिर्च इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि हमने मैदे के डो में भी नमक दिया है, इसलिए उस हिसाब से आप नमक डालिएगा। 1/4 चम्मच अजवाइन, 1/4 चम्मच मंगरेला, 1/2 कटा हुआ नींबू का रस, 1 टेबलस्पून सरसों का तेल, थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया, 1 टेबलस्पून पानी। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिलाएंगे। दोस्तों मैंने इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाया है, बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब ये सत्तू हमारा रेडी है, अब डो भी रेडी है, सत्तू भी रेडी है। अब चलिए इस डो में हम सत्तू को फिल करेंगे। छोटी छोटी पूरियों के लिए डो को कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खुश्की लिया है आटे का। अब ये छोटे से डो में हम सत्तू को फिल करेंगे, खुश्की में डालेंगे और इस तरह से देखिए स्पेस बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस तरह से फिल कर देंगे, इस तरह से। अब इसमें हम सत्तू को फिल करेंगे। थोड़ा सा प्रेस करते हुए सत्तू को फिल कर लेंगे। और इसका मुंह को अच्छी तरह से देखिए बिल्कुल बंद कर देंगे। देखिए अब इसी तरह से हम बचे हुए डो में भी सत्तू को फिल करेंगे। अब डो में मैंने सत्तू फिल कर लिया है, अब इसे छोटी छोटी पूरियां बना लेंगे। इसे बहुत धीरे धीरे हम लोग पूरी की तरह बनाएंगे, बहुत ज्यादा जोर से प्रेस नहीं करेंगे, ये तो जो सत्तू है वो बाहर निकल सकता है। अब इसी तरह से सबको पूरी की तरह हम बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे पूरियों को बेल करके रेडी कर लिया है। अब चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लिया है और इस तेल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। पूरियों को हम फ्राई करेंगे।
इसी तरह से हम सभी पूरियों को फ्राई कर लेंगे। अब ये सत्तू का पूरी रेडी है, इसे आप सॉस या किसी भी चटनी के साथ खाइए, ये बहुत टेस्टी लगेगा। और मेरे इस रेसिपी को ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए।